अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से हूँ। तो गाइज़, मैं बहुत टाइम से अभी अपना ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी, बिकॉज़ मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी घर में, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा था पेंट वगैरह का। और आप देख रहे होंगे कि मैं कहीं पर जा रही हूँ। तो हाँ गाइज़, मैं जा रही हूँ भाभी के भाई की शादी में, रिसेप्शन में। शादी में तो नहीं जा पाई थी, जिस दिन शादी गई थी उस दिन नहीं जा पाई थी, मैं आई थी रिसेप्शन में, क्योंकि मेरे घर में भी खुद भी शादी है, तो इस वजह से मुझे जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया मेरा। तो गाइज़, मैं आई थी शादी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भाई ने यहाँ पर, रिजवान भाई ने जो डेकोरेशन करवाई है, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही, इतनी प्यारी लग रही है डेकोरेशन। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एकदम प्लानिंग के साथ में इन्होंने वर्क करवाया यहाँ पे। और आप देख सकते हैं, मैंने ये ग्रीन कलर की ड्रेस जो है ना वेयर की हुई है। और गाइज, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था आने का, क्योंकि मैं मतलब तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी इस टाइम पे, और घर में भी काम चल रहा था, तो इस वजह से मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। मैं सडनली उठी, पापा जा रहे थे तो मैं भी रेडी हो गई आने के लिए। तो मैंने ये ग्रीन कलर का लहंगा वेयर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो लुक अपना क्रिएट किया हुआ है, माशाल्लाह से मैं अच्छी लग रही हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा। और आप देख सकते हैं कैसा अरेंजमेंट है यहाँ का, बहुत ही अच्छा सब कुछ है। यहाँ पर भाई ने बनाया हुआ है और करवाया, मतलब डेकोरेशन वगैरह। और आप देख सकते हैं, गेस्ट वगैरह भी, हमारे यहाँ की शादी इस तरह से होती है। और ये हैं गाइस भाई की दुल्हन एंड मम्मा उनकी। तो आप अभी जो है ना, वो मुंह दिखाई दे रही हैं, उनको रिंग आई थिंक दी थी उन्हीं। और ये मेरी यहाँ पे एक न्यू फ्रेंड बन गई थी, ये भी कोई हमारे रिलेशन में ही है। तो गाइज, ये हमारे मतलब कि इनसे एक कंपनी मिल गई थी, अच्छा भी लगा था साथ में, अगर एक से दो लोग मिल जाए कहीं पर। बाकी भाभी के बहनें भी साथ में ही थी, उनसे भी साथ में अच्छा लगा था। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयत को तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर शादी में। और बच्चों का तो पता है आपको, उनको तो मतलब मस्ती करने का रहता है हर समय। तो गाइज़, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ये 11 से 12 बजे के टाइम की वीडियो है, तो गाइज़ उसको सोने का मन ही नहीं कर रहा था, और इतना ज़्यादा खेल रही थी रात में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से उसको भी। और उनका आपने लहंगा चुन्नी देखा होगा, कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइज, अभी मैं उसको जो ना इस टाइम पे कुछ खिलाने के लिए ले जा रही हूँ, उसको भूख लग रही थी आयत को, तो उनकी मम्मा ने बोला कि जाओ कुछ खिला खिला के दो आयत को। तो फिर मैं आ गई थी आयत को खिलाने के लिए। और आप देख सकते हैं, वो तो मुझे चलने ही नहीं दे रही थी, वो ऐसा लग रहा था मुझे गिराना दे। तो फिर मैंने भी थोड़ा बहुत उनसे एंटरटेनमेंट किया, और उनको जो है ना राउंड राउंड करने लगी। फिर गाइज, मैं आ जाती हूँ कुछ खाने पीने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो है ना चाउमीन खाई एंड बताशे, बहुत सारी चीज़ें थी, फास्ट फूड था यहाँ पर, माशाल्लाह से मैंने सारी चीज़ें खाई हैं, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पर शादी में आके। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं, मेरे यहाँ की शादी इस तरह से होती है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है, सब लोग होते हैं यहाँ पर। और शादी वगैरह में तो जब मिलते हैं और भी 4 लोग, तो बहुत अच्छा लगता है गाइज, बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। और गाइज, इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी जल्दी मेरा ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और अभी घर में भी शादी है, तो इसलिए आपको भी और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और ये है भाभी का घर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन करवाया। मैं जा रही थी वापस अपने घर पर, मेरी रवानगी हो रही थी।